बुढ़ी और आपका आज यूट्यूब स्वागत है। आज की वीडियो हम लेकर आए, इसका टाइटल है पद्मावत सीन 5 द फ्रेंडली मूव दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह शाहिद कपूर। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का रिजल्ट लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल के लिए इंस्टाग्राम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये वही वाला लग रहा है ना? कौन सा? ओके नहीं, बनाओ सब सकल बन। आज शाम तक चित्तौड़ पहुंच जाएगी। जानते हैं हम उनका स्वागत राजपूती ठाट से करेंगे। सेना को सावधान कर दीजिए, भंडारे अनाज से भर दीजिए। प्रजा बहुत डरी हुई है। डरने की कोई बात नहीं है। तलेथी में जितने भी गांव हैं वहां से सभी औरतों और बच्चों को गढ़ पे ले आइए। सुजान सिंह से कहिए कि जाके सभी राजाओं से मिले और समझाए उन्हें। यही मौका है। अगर हम सब एक हो गए तो अलाउद्दीन खत्म, वरना एक एक करके हम सब खत्म। हुकुम। वेलकम करेंगे। आई थिंक वो बाउंड्री लाइन बनाई है। तो यहाँ पे रुक जाओ। मलिक, अब तो ये जंग जायज हो गई। बेशक सुल्तान। सिपहसालार उल्लाह खान, क्या ख्याल है? भेज दे अपने चंद सिपाही। बिल्कुल हुजूर। पर उल्लाह खान, चित्तौड़ की दीवारों तक इस तरह नहीं पहुंचा जा सकता। जिसने भी कोशिश की हार कर ही लौटा। खिलजी ने आज तक कभी हार कबूल नहीं की। ब्रह्मचारी, अंदर का बंदा। सूरज डूबने से पहले भेज दो सिपाही, नाप लेते हैं राजपूतों के औकात। कितना अच्छा वीएफएक्स है ना। ये उनकी चंद सैनिक भेजने वाली रणनीति समझ में नहीं आ रही। हुकुम, आदेश हो तो वहीं गिरा दें। आने दो उन्हें। महफूज बनाया हुआ है। सुल्तान, आपने हमें याद किया। ब्रह्मचारी, तुम्हारा कत्ल करने का वक्त आ गया। ये हमला सही नहीं था। हमने सावधान किया था उल्लाह खान। सावधान कर तो पूरी कायनात को। ये राजपूतों के सूरज पर खिलजियों की चांद का ग्रहण लगने वाला है। क्षमा कीजिए सुल्तान, चित्तौड़ की दीवारें केवल जुनून से नहीं टूट सकती।
इसी जुनून से हमने आधा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। ये चित्तौड़ की दीवारें हमें क्या रोकेंगी? मसला वो नहीं है, मसला ये है कि पद्मावती उतनी नायाब नहीं हुई तो जितने भी सिपाही आज शहीद हुए हैं हम तुम्हारे उतने ही टुकड़े करेंगे ब्रह्मचारी। सुल्तान की भूख बढ़ रही है। अच्छा आना हाजिर खैर। बहुत अच्छी की है रणवीर सिंह ने। देखते ही देखते अलाउद्दीन ने तो गढ़ रहे सामने पूरी दिल्ली बसा दी हुकुम। ये युद्ध नीति है उसकी अपनी, ताकत दिखाओ और दुश्मन का मनोबल तोड़ो। गोरा सिंह जी दीपावली कब है? हुकुम अगला हफ्ता। तो इस बार चित्तौड़ दीपावली ऐसी धूम से मनाएगा कि आधी लड़ाई वो हमारी खुशी देखकर ही हार जाए। हुकुम। पहाड़ पे है ना, चढ़ना मुश्किल है। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। सुल्तान अगर आप मसरूफ हैं तो हम बाद में हाजिर हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये इतिहास के कुछ दस्तावेज हैं। जिस इतिहास में अलाउद्दीन का नाम नहीं हम उसे सजा दे रहे। कुछ पन्ने आपके लिखे हुए भी हैं मसरूफ। लेकिन हुजूर ये सब पन्ने तो आपके हम तक चाहते हैं कि इतिहास सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखे। तो बॉम्ब कैसा आदमी था लखान? चित्तौड़ पर जाने वाली रसद, खाने पीने का सामान सब रोक दिया गया। जी हुजूर। उनकी सुरंगें जो मिली थी वो नाकाम कर दी गई। जी। आसपास के सारे गांव लूट लिए गए। हुजूर। अब पैगाम भेजो सारे राजपूत राजाओं को कि मेवाड़ की मदद करने का मतलब होगा सुल्तान हिंद की नाराजगी। जी हुजूर। बर्खास्त। सुल्तान हम ये कहने आए थे बहुत दिन हो गए हैं बगैर जंग के सिपाहियों की तलवारें बेचैन हो रही हैं। लेकिन जंग तो जारी है, उनकी भूख प्यास हमारे सब्र के बीच। लेकिन हमें अपने सिपाहियों का हौसला तो बुलंद रखना होगा, खुश रखो उन्हें, दिल बहलाओ उनका। कुश्ती का ऐलान करो, हम भी खेलने आएंगे कल। कुश्ती और रात में रवाब और शबाब। फौज को जोश में रखने के लिए ये आपका अंदाज बहुत खूब है। क्या समाचार लाए सुजान सिंह? कब पहुंच रही है बाकी राज्यों की सेना? हमने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की पर कोई भी राज्य हमें समर्थन देने को तैयार नहीं है। कोई भी अलाउद्दीन को शत्रु बनाना नहीं चाहता। काय करें गोरा सिंह जी। युद्ध रो ऐलान कर दो गुरु सिंह जी। हुकुम, दोबारा सोच लीजिए। हुकुम, फैसला हो चुका है, अब चित्तौड़ अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। समझ लग रही एंड में बंदा आग को देख कैसे सो सकता है।
खैर इस पूरे सीन में हम लोग बात करेंगे कि लाइक कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए। हाँ। तो जब तक आपके हम पास में देखते हैं कि जितने भी लोग जिनके साम्राज्य जो हैं वो गए, प्रॉब्लम्स हुई तब भी हुई जब उनके खुद के किसी आदमी ने जो है वो बाहर जाकर बाहर वालों के साथ हाथ मिलाया। मतलब ये चीज़ मैं सोचती हूँ कि अभी ये टाइम की नहीं है, मतलब आप हिस्ट्री उठाकर देख लो जब अंग्रेज आए थे तब भी, जब अंग्रेजों से पहले मुगल नहीं, मुगल तो नहीं क्या थे ये, राजवाड़े नहीं नहीं मतलब जो खिलजी वाला साइड है वो। हाँ, ये तो बहुत देर पहले की बात है। हाँ, मतलब वो जो भी मतलब मुगल जितने भी इन्वेडर्स थे जो सब लोग आए तो उनके साथ जब अपनों ने हाथ मिलाया ना तभी आप में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस होता है और वो ये कि जो अभी के टाइम में भी दिखती है वो ये कि आपके अपने कभी हाथ नहीं मिलाते मुश्किल टाइम में आकर। आई मीन उस टाइम पर भी अगर जो बाकी राजवाड़े थे, पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आती कि उन लोगों के जहन में उस टाइम पर क्या होगा जो मूवीज़ के थ्रू हम लोग या बुक्स के थ्रू हम लोग पढ़ते भी हैं कि मतलब उन लोगों ने क्यों यूनिटी शो नहीं की, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का पता है कि अगर देखो सारे राजवाड़े मिल जाते और घेराव करते तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना ताकतवर होता कि वो इन सबको जो है वो कमजोर कर देता। भाई देखें ना, जो अंग्रेज जब आए थे अंग्रेजों ने भी तो यही चीज देखी थी ना कि आपस में तो बनती नहीं। लेकिन मैं एक बात नोट करती हूँ, मतलब सॉरी इंटरप्ट कर दिया, कि देखो अंग्रेजों ने तो ये चीज शुरू की बाद में आकर के उन्होंने लोगों को डिवाइड कर दिया। अब ये तो बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है, तो तब तो लोग डिवाइड नहीं थे, तो तब क्यों ऐसा होता था कि लोग जो है वो एक दूसरे का साथ नहीं देते थे, मतलब ये डिफरेंट राजवाड़े। मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि उस टाइम पर क्यों लोग, क्योंकि क्योंकि ये चीज आप पृथ्वीराज चौहान जी जो है उनके भी जो मूवी बनी हुई है वो भी देखे ना, उसमें भी यही था कि भाई अपनों ने जो है वो एंड टाइम पर जो है वो साथ जो है वो नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो जंग जो है वो हार गए थे। फिर उसके बाद अभी जैसे ये सीन की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपको यही नज़र आ रहा है कि भाई अपने जो है वो साथ नहीं दे रहे, क्यों, क्योंकि कोई जो है वो दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता, तो आपके लिबास ये कि सारे मिलके हमला कर रहे थे तो भाई एग्जैक्टली वो एक अलग फिर सिनेरियो जो है वो सुल्तान हिंद था भी, तो भी मुझे लगता है कि अगर घेराव हो जाता तो इतना भी ईजी नहीं होता उसके लिए डिफीट करना। ये तो अब इतिहास जो है भाई उसमें जो इतिहास यानी कि हम तो इतना सा अब एक जो है सीन देख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो लोग वाकई डिटेल में जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उन्हें ज़्यादा बेहतर पढ़ा है पता होगा। लेकिन मूवी की स्टार्टिंग की बात करें भाई, जिस तरह जो है वो आ रहे होते हैं तो महल के अंदर आईना हिलता है। अब मैं ये बात कह रही हूँ, पता नहीं ऐसे लगता है जैसे कुछ अर्थक्वेक टाइप आपको फील होता है जैसे ही रानी भी उठकर जाती है। बिल्कुल, तो वो सीन फिर उसके बाद जिस तरह बाहर आते हैं तो एक चेतावनी जो है वो दी जाती है कि भाई ये बॉर्डर है, इसे आगे जो है वो नहीं भरना। तो वहाँ पर जो एक एक्सप्रेशन आते हैं ना, जहाँ पर जो रणवीर सिंह है वो कहते हैं अब तो जंग जायज़ हो गई है, ठीक है ना, वो एक्सप्रेशन मैं कहता हूँ कि उन्होंने बड़े कमाल के जो है वो दिए हैं। और साथ में जिस तरह जो है पीछे जो ब्रह्मचारी जी जो है वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि भाई चित्तौड़ को तुम्हें लगता कि आसान है फदा करना, लेकिन आसान नहीं है। अच्छा वैसे मैं ये बात सोच रही हूँ, देखो कि आपके पास नॉलेज हो तो समटाइम्स वो ही नॉलेज आपको सही रास्ते पर भी ले जाता है, और अगर वो आपकी ईगो बन जाए तो वो आपको बर्बाद भी कर देता है। बिल्कुल, बेसिकली ईगो बन गई थी। हाँ, वो ईगो बन गई तो वो नजर आती है कि किस तरह से वो बर्बादी वाली अपनों की बर्बादी जो है वो मतलब उसकी तरफ चले गए। लेकिन फिर जैसे उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए जैसे एक यू नो कुछ लोग जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, तो देखो उस टाइम पर भी किस तरह से वो तरीके स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये आपने अपने जो आपके लोग दुश्मन है उस पर किस तरीके से आपने वार करना है या क्या स्ट्रैटेजीज, एक तरह से गुप्त स्ट्रैटेजीज हम कहेंगे कि होती थी। लेकिन भाई मैं कहूँगी कि रणवीर सिंह ने कमाल की एक्टिंग की है, और मैं ये भी सोचती हूँ मूवीज़ के थ्रू में, मुझे पता है कि मूवीज़ में कुछ चीज़ें ड्रामेटिक करके भी दिखाई जाती हैं, बट लेकिन मैं ये बात भी बोलती हूँ कि लाइक उस टाइम के राजाओं पर कितना प्रेशर होता होगा जब आक्रमण होता होगा कि लाइक अब क्या करना है किस तरीके, जैसे अब बीच में जो खिलजी है उसने बोला कि जो आसपास के गांव हैं मतलब उन पर हमला करना, उनका जो राजपूत राजे हैं उनको कहना नहीं आना, यूनिटी नहीं शो करनी, नहीं तो आप हमारे दुश्मन होंगे, बहुत प्रेशर होता है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब ने यूनिटी दिखाई होती और ये सब चीजें हों आज के टाइम में भी, तो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स काफी हद तक जो है वो कम हो जाते हैं। बट मैं यहाँ पर VFX की बात करना चाहूंगी, स्टार्टिंग में भी
कमाल के VFX आपको लगे जो मैदान जंग एक तरह का बना है, और फिर उसके बाद जब जो राजा हैं मतलब के शाहिद कपूर वो भी ऐलान जंग करते हैं, और मतलब वो जो तीर जिस तरीके से सारे जाते हैं वो VFX भी बहुत खूबसूरत है। हाँ मैं मौसम की बात से ज़रूर अग्री करती हूँ कि ये आग देख कर तो मतलब एक नॉर्मल इंसान डर जाता है, लेकिन ये दिखाया हुआ है कि कहीं ना कहीं पर वो न डर है खिलजी, बहुत ज्यादा ना डर जो है वो डर नहीं इतना लगता, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपको जो है दिखाया हुआ है जहां चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है। हाँ, जहां पर वो शीतलमुर्ग के पंख ही बांध के पूरा शीतलमुर्ग ले आए, तो शुरू से जो है ना एक वो दिखाया हुआ कि चैलेंज एक्सेप्ट करता है वो बंदा। हाँ ये चीज इसमें दिखाई गई है, लेकिन मैं ये बात बोलूंगी कि नॉर्मल चैलेंजेस नहीं एक्सेप्ट करता, लाइक थोड़ा सा आपको फील होता है कि आप देखें ना कि क्या रहते हैं जैसे पूरी सेना लेकर वहाँ पे खड़ा हो गया, उसके बाद जो है जब वो जो गुरु जी जो होते हैं उनको बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि भैया अगर नयाब ना हुई तो जितने मेरे सैनिक मरे हैं उतने टुकड़े तुम्हारे करूंगा। बिल्कुल। एनीवे ओवरऑल मैं कहूंगी कि आगे और मजीद पार्ट देखेंगे, काफी इंटेंस मूवी जो है वो होती जा रही है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पास्ट में क्यों इस तरह से होता था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी साथ में गुड बाय।